टू स्टील डिजाइन. दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. एंड टूडे वी विल डू मॉडलिंग एंड डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. देर विल बी टू ट्यूटोरियल्स. इन ट्यूटोरियल वन वी विल डू मॉडलिंग एंड दिस अनदर वीडियो ट्यूटोरियल टू वी विल डू डिजाइन. ओके, इन दिस लेट्स से सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन विल बी 6 मीटर. And here will be uniformly distributed load, where dead load will be 3 kN per running meter and live load will be 5 kN per running meter. Now we will design this simply supported beam in StatPro. सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद में प्लेन. स्पेस होता है 3D के लिए, प्लेन होता है 2D डिजाइन के लिए. ओके, तो हम यहाँ पे 2D डिजाइन के लिए प्लेन सेलेक्ट करेंगे. फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे मॉडलिंग ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, लोकेशन आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी, जहाँ पे भी जो भी डेस्टिनेशन आप देना चाहें. ओके, और यहाँ पे जो हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं, मीटर किलोन्यूटन, लेंथ के लिए मीटर और फोर्स के लिए किलोन्यूटन. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद में हम जाएंगे ऐड बीम से स्टार्ट करेंगे, तो ऐड बीम पे क्लिक करके इसको फिनिश कर देंगे. यहाँ पे ग्रिड वाली मॉडलिंग हमको दिख रही है. हम ग्रिड वाली यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. हम यूज करेंगे ज्योमेट्री में जाके कोऑर्डिनेट देकर. ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम देने वाले हैं 0 0. सेकेंड, जो क्योंकि हमारा स्पैन है 6 मीटर का, तो एक्स डायरेक्शन में हम 6 मीटर टाइप करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों नोड आ गए हैं, इनको हम फ्रंट्स देखते हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे उसके बाद हम एड बीम को लेंगे. एड बीम को दोनों नोड्स को मिलाते हुए ये हमारा बीम मॉडल होगा. उसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें सपोर्ट. हमको सपोर्ट देनी है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आप जाएंगे जनरल, उसके बाद सपोर्ट में, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे. क्रिएट पिंड, हम दोनों एंड्स पे पिंड सपोर्ट देने वाले हैं. ऐड करेंगे. ओके, सेलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन. ओके, तो कर्सर से हम असाइन करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट नोड, सेकंड नोड. ओके, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम विद सपोर्ट यहाँ पे मॉडल हुआ. उसके बाद हम इसमें लोड लगाने वाले हैं. उसके लिए लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, लोड केसेस को सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे. फर्स्ट लोड जो होगा वो होगा हमारा डेड लोड. यहाँ पे टाइप कर देंगे DA, डेड लोड. एड, सेकंड होगा हमारा लाइव लोड. यहाँ से हम लाइव सेलेक्ट करेंगे और दे देंगे यहाँ पे लाइव लोड. इसके बाद एड. अब डेड लोड और लाइव लोड नाम के हमने दो लोड बना लिए हैं. उसके बाद इन लोड्स की वैल्यू को हमको डिफाइन करना है, तो डेड लोड को सेलेक्ट करेंगे. ओके, एड पे क्लिक करेंगे, तो जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देने वाले हैं, तो मेंबर लोड में जाएंगे. ओके, जी वाई डायरेक्शन जो होगी इसकी वाई डायरेक्शन में होगी, क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड जो होते हैं ग्रेविटी लोड होते हैं, और ग्रेविटी लोड की डायरेक्शन ग्लोबल वाई होती है. ओके, तो ग्लोबल वाई को सिलेक्ट करके वैल्यू जो डेड लोड हमारा था 3 kN, तो इसकी डायरेक्शन क्योंकि डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन देंगे, -3 टाइप करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे. तो डेड लोड हमारा सेलेक्ट हो गया है, डेड लोड की वैल्यू हमारी आ गई है. उसके बाद हम लाइव लोड पे जाएंगे, लाइव लोड को सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सेम उसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देंगे, ग्लोबल वाई डायरेक्शन देंगे. उसकी वैल्यू हमारी थी 5 kN पर रिंग मीटर, तो -5 टाइप करेंगे, डायरेक्शन ग्लोबल वाई है, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे. ओके, अब ये लोड जो हमने असाइन, लोड जो हमने वैल्यू डाल दी है, उसको हम अपने सिंपली सपोर्टेड बीम पे असाइन करेंगे. अब असाइन कैसे करना है, सिंपली क्लिक करना है, यूज कर्सर टू असाइन पे क्लिक करना है, असाइन को क्लिक करना है, उसके बाद में सिंपल माउस से असाइन कर देना है. उसी तरह से लाइव लोड को भी असाइन कर देना है. तो अभी हमारा डेड लोड और लाइव लोड दोनों असाइन हो गए हैं. उसके बाद में हम बनाएंगे लोड कॉम्बिनेशन. अगर लोड कॉम्बिनेशन हम ग्राफिकली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. उस इससे शॉर्टकट हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा, सिंपली एडिटर में जाएंगे और टाइप कर देंगे. तो हम यहाँ से स्टेट एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे लोड केस 1 डेड लोड, लोड केस 2 लाइव लोड. उसके बाद में हम सिंपल
लोड कॉम्बिनेशन देंगे, सिंपली टाइप करेंगे LOAD लोड, कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में COMB कॉम्ब देते हैं और नंबरिंग हो जाएगी 3, क्योंकि 1 और 2 हमारा डेड लोड लाइव लोड का है, तो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 3। इसका नाम हम देंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो शॉर्ट में हम लिख देंगे DL+LL। ठीक है, ये तो इसका नाम पार्ट, नेम वाला पार्ट। उसके बाद में हम इनकी वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे नंबर 1 क्या है, डेड लोड, उसकी वैल्यू देंगे हम 100% यानी कि 1.0। उसके बाद प्लस करेंगे नंबर 2 जो कि हमारा लाइव लोड, उसकी वैल्यू भी होगी 1.0। तो डेड लोड की वैल्यू, डेड लोड 1.0 और लाइव लोड 1.0 मीन्स 100% डेड लोड प्लस 100% लाइव लोड दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये जो बनेगा हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा लोड कॉम्बिनेशन 3 में। ओके, तो हमारे दोनों काम हो गए हैं, डेड लोड हमने असाइन किया, लाइव लोड हमने असाइन किया, उसके बाद में लोड कॉम्बिनेशन भी हमने असाइन कर दिया है। उसके बाद सिंपली एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे, सिंपल डालेंगे परफॉर्म एनालिसिस। परफॉर्म एनालिसिस उसके बाद में फर्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर 1। उसके बाद में कोड, हम कौन से कोड से डिजाइन करने वाले, आप इसको AISC से भी डिजाइन कर सकते हैं, आप इसको इंडियन से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं जो कोड यूज करने वाला हूं सिंपल AISC कोड यूज करने वाला हूं, कोड AISC। इसके बाद चेक कोड ऑल, ओके सिंपल सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी हमने क्या क्या काम किया, हमने मॉडलिंग कर ली है, हमने लोड असाइन कर दिए, हमने सपोर्ट दे दिए, लोड कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम जो मेंबर यूज कर रहे हैं वो मेंबर क्या है। आप इसमें मेंबर ISMB भी दे सकते हो, चैनल भी दे सकते हो, एंगल भी दे सकते हो। ओके, मैं जो देने वाला हूँ वो सिंपल वेल्डेड सेक्शन देने वाला हूँ, आई शेप का वेल्डेड सेक्शन। ओके, तो वो कैसे दे, सिंपली आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, डिफाइन पे क्लिक करेंगे, डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टेपर आई पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम आई सेक्शन देने वाले हैं, वेल्डेड देने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं जो शेप अभी स्टार्टिंग में देने वाला हूँ वो वेब जो है 200 देने वाला हूँ, इस टाइप से 200 mm, यानी कि अगर हम मीटर में बात करें तो 0.2। ओके, वेब जो देने वाला हूँ मैं 5 mm की देने वाला हूँ, तो 0.005 meter। उसके बाद में फर्स्ट डेप्थ मैं टेपर में नहीं देने वाला हूँ, मैं स्ट्रेट सेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो 0.2। और जो फ्लैंज है मैं ट्राई करता हूँ 150 mm की, 0.15। और जो फ्लैंज की थिकनेस है सपोज मैं 8 mm देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 0.008 करके ऐड कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, इसको हमें असाइन करना है, सिंपल प्रोसेस वही है, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये आपका मेंबर की प्रॉपर्टी असाइन। अगर आपको देखनी है शेप तो सिंपल Ctrl+2 प्रेस करना है और आप दे सकते हैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू। तो एक आई शेप का जो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम असाइन हो गया है। ओके, तो ये मॉडलिंग पार्ट और लोड हमने अप्लाई कर दिया है। अगर हम इसको रन करके हमें देखना है फ्रीली, तो सिंपल एनालिसिस पे जाएंगे, रन एनालिसिस, सेव, एनालिसिस हुआ। एनालिसिस होने के बाद में हम इसके अगर स्ट्रेस रेशियो चेक करें तो आप यहाँ से स्ट्रेस रेशियो चेक कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा मेंबर फेल है, जो हमने जो प्रॉपर्टी दी है, जो भी हमने आई शेप यूज किया है उस आई शेप के अकॉर्डिंग ये मेंबर फेल है। हमको इससे भी थोड़ा हैवी मटेरियल यूज करना है। तो अभी हम ये हमारा मॉडलिंग पार्ट खत्म हुआ। आप जो एनालिसिस और स्टील का ऑप्टिमाइजेशन और इसको जो पास कराने वाला पार्ट है वो हम सेकेंड ट्यूटोरियल में बात करेंगे। ओके, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगला जो एनालिसिस पार्ट है उसको टाइम से देख सकें। थैंक यू।